1 लाख भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। ठीक, अब आपने एफपीसी बनाई तो 10 लोगों ने डायरेक्टर पैनल बॉडी में बना ली और आपने अपने अपने शेयर उसमें डाल दिए। किसी ने 500 रुपये डाले, किसी ने 1000 रुपये डाले, किसी ने 10,000 डाले, तो उसके बराबर उसका शेयर हो गया। तो पहले आपने आपके शेयर अगर बना लिए हैं कि आपको 1 लाख शेयर की एफपीसी बनाना है और एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, उदाहरण में दे रहा हूं कि 1 लाख शेयर आप बांटेंगे मार्केट में, वहां से इक्विडिटी गेन करेंगे, पैसा अर्निंग करेंगे और 10 रुपये का एक शेयर रखेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कुछ नियम बना दिए कि आपकी एफपीसी में अगर 1000 लोग हैं तो आपको गवर्नमेंट 10 लाख रुपए देगी एफपीसी को रन करने के लिए। 1000 किसान हैं सदस्य, तो गवर्नमेंट को लगता है कि आपने एक क्लस्टर खड़ा कर दिया है। अब उन किसानों की जो प्रोडक्शन होगी, उनको खरीदी बिक्री करने के लिए एक सेंट्रलाइज स्टेशन हो गया, तो कोई भी बायर वहां से आकर के सही रेट में ले जा सकता है। फिर बायर को क्या चाहिए, क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी। किसी भी बायर को वहां आकर रुकेगा। तो गवर्नमेंट ने ये एक नियम बनाया कि 1000 सदस्य की एफपीसी को हम एक्स्ट्रा ग्रांट देंगे, उनको एक लड़का देंगे, उनको एक ऑफिस रेंट देंगे, वो अपनी ऑफिस चलाए, एक लड़का हम देंगे, उसकी तनख्वाह हम देंगे, गवर्नमेंट देगी आपको जब तक 3 से 4 साल आपकी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी सही से रन ना हो। तो आपने 10 लाख शेयर, 1 लाख शेयर बनाए, 10 रुपये का एक शेयर है, जो भी किसान हो उनको आप पब्लिसिटी करो कि हम एपीसी हैं और ये हमारा शेयर की कीमत है, तो कम से कम एक शेयर तो बिकेगा 10 रुपये का। कोई 10 शेयर खरीदेंगे तो 100 रुपये देगा, कोई 100 शेयर खरीदेंगे तो 1000 रुपये देगा। अभी 1 लाख शेयर की 10 रुपये की कीमत, तो आपके पास 10 लाख रुपये की इनकम जनरेट हो गई और 1000 से ज्यादा किसान होंगे तो 10 लाख रुपये गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी कि आपकी एपीसी को रन करो। अब आपके पास आ गए 20 लाख रुपये। काम करने वाले, डिसीजन लेने वाले आप 10 लोग, डायरेक्टर बॉडी में 10 लोग। अब आप पहले से मॉडल आपने तय किया है कि ये है, तो आपके जितने शेयर होल्डर हो उनको मैसेज डालो, वो मीटिंग में आ जाए तो बहुत अच्छा, वरना आप डिसीजन लो और अपने काम करो। और उस एफपीसी में जो प्रॉफिट होगा उसके शेयर के मुताबिक आप किसानों को पैसे बांटोगे। तो अभी आपने 5 एकड़ का बांस लगाया और आपने 50 शेयर एफपीसी से खरीद लिए, 50 शेयर मतलब 500 रुपये के शेयर ले लिए 50 शेयर। अब आप हमारे हिस्से में भी 50 शेयर के भागीदार हो और आपका बांस भी हम ही को दे रहे हो, मतलब आप ही की कंपनी को आपने बांस काट के बेचा। आया समझ में? अभी ये जो बांस काट के बेचा तो इसकी वैल्यू एडिशन हुई, आपने इसका इथेनॉल बनाया, सीएनजी बनाई या प्लाईवुड बनाया या कपड़ा बनाया या पेपर मिल में गया। तो ये 1 किलो बांस जो 3 रुपए का था ये 300 रुपए में बिक गया, कपड़ा बना लिया तो, अगरबत्ती बना ली तो 200 रुपए में बिक गया, आपने सीएनजी बना लिया तो 50 रुपए में बिक गया। तो ये हो गए वैल्यू एडिशन इसकी। अभी ये वैल्यू एडिशन होने के बाद में जो प्रॉफिट गेन हुआ वो आप 10 लोग, आपके डायरेक्टर की तनख्वाह रहेगी क्योंकि आप कर्मचारी हो, डायरेक्टर एज ए कर्मचारी और शेयर होल्डर मतलब मालिक। तो आपकी एपीसी में अगर आपका पैसा है डला हुआ, आप शेयर होल्डर हो तो आप मालिक हो, तो जितने परसेंटेज में पैसा है उस एपीसी का जो नेट प्रॉफिट 31 मार्च को होगा उतना आपको हिस्सा इक्विडिटी मिलेगी। और आपको डायरेक्टर हो तो आपको तनख्वाह जो आपने तय कर रखी होगी हर महीने की तनख्वाह मिलेगी। ये हो गया डायरेक्टर बॉडी का। अभी ये डायरेक्टर नहीं है लेकिन ये 50 शेयर के मालिक है, तो इनको इक्विडिटी मिल जाएगी, इनकी जितना इन्होंने आपके इसमें पैसा लगाया है उतना इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो जो आपने 1 लाख शेयर बेचे, मतलब मोटा मोटा आपके 1000 से 10000 किसान आपके सदस्य हो गए। अब ये 10000 किसान अंदर से प्राउड फील करेंगे कि मैं इस एपीसी का मालिक हूं और वो हकीकत है। तो 10000 सिंपैथी, घरों की सिंपैथी आपकी एपीसी पर आ रही है कि ये एपीसी बंद नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए, अंदर से भावनाएं आ रही है, ये चीजें आपकी एपीसी को चलाएगी। अच्छा, ऐसा भी नहीं होगा क्या कभी कि जैसे इनके शेयर है मैंने खरीद लिए और खरीद लिए, मैंने खूब सारे शेयर इकट्ठे कर लिए, वो सिस्टम तो नहीं रहेगा ना इसमें? नहीं, इसमें एक ये फाउंडेशन है कि किसान ही शेयर किसान को बेच सकता है। एक चीज, किसान नहीं है तो उसको ये शेयर नहीं बेच सकते, ये आउट होना चाहते हैं तो वापस एपीसी को ही शेयर बेचेंगे।
उस दिन उस एफपीसी की जो वैल्यू होगी शेयर की, इन्होंने 10 में खरीदा, अब 100 रुपए का रेट हो गया, तो भी हम ही खरीदेंगे वापस या ये किसी किसान को देंगे। अब इसमें आपने अभी 10 शेयर खरीदे थे और आपको ऐसा लग रहा है कि इस एफपीसी को मुझे टेक ओवर करना है, तो सभी किसानों के आपने शेयर रख लिए, तो आप वन मैन आर्मी हो, तो आप गवर्नमेंट लाइबली से गायब हो गए। आपकी एफपीसी की कोई वकत नहीं है। गवर्नमेंट को संख्या चाहिए कि कम से कम 1000 किसान जिस एफपीसी में होंगे उसको गवर्नमेंट ध्यान देगी। 1000 किसान से 999 किसान है तो वहां से ध्यान हटा लेगी, आपके मन से काम करो तो आप एक कंपनी बन गए। कंपनी में जो कंपनी वाले करते हैं वो करते रहो, गवर्नमेंट का सपोर्ट कि आपके क्षेत्र में नए काम आए हैं तो सबसे पहले एफपीसी को मिलेगा, आपके क्षेत्र से किसानों को कुछ काम करवाना है तो सबसे पहले एफपीसी जाकर करवाएगी। आप बड़े खाद के यूनिट ले सकते हो, आप कोई भी इंडस्ट्री का लोन ले सकते हो किसानों के लिए, आप वैल्यू एडिशन, आपके यहाँ टमाटर हो रहा है तो जेम बनाने की फैक्ट्री डलवा सकते हो गवर्नमेंट से। कब? जब 1000 किसान से कम एक भी नीचे ना हो, उससे ऊपर हो। अभी एक आदमी के पास 900 शेयर हैं और आपकी एफपीसी में 1000 शेयर है, 10000 शेयर है, तो ये जो 900 शेयर हैं, ये 900 शेयर आपके एक के पास हैं और बाकी के जो 100 शेयर हैं वो आपके पास 100 लोगों के पास है, तो ये संख्या कितनी हुई? 101। तो गवर्नमेंट में संख्या काउंटिंग करती है कि 1000 से ऊपर हमको चाहिए, क्लस्टर बनना चाहिए, किसान 1000 चाहिए, किसान 1000। अच्छा, दूसरा सीएनजी इस चीज पर निर्भर है, बड़ा पैसा चाहिए। हाँ, प्लाईवुड की इंडस्ट्री, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए। हाँ, आपके पास का जैसे आज हमने अगरबत्ती की यूनिट देखी, हाँ, ऐसी कितनी यूनिट हो सकती है कम पूंजी में जी, जो आज ये 150 एकड़ के फार्मर है, हाँ, ये लगा सकते हैं। हाँ, या मैं 20 एकड़ का फार्मर हूँ, हाँ, 3 लाख रुपया मैंने मेरा डाला, 4 लाख लोन लिया, 2 लाख इधर से बैठा किया, मैं डाल सकता हूँ। ऐसे बैंबू पे आश्रित कितनी इंडस्ट्री हो सकती है? बांबू के अगर आप डीपली देखने जाओगे तो 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट है। नहीं, आज जैसे आपने अगरबत्ती दिखाई, एक झटके में समझ में आ गया। हाँ, आपने इधर ये रख रखा है, प्रोडक्ट बढ़ते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आया। हाँ, क्योंकि हमें जरूरी नहीं है कि मैं, मुझे पसंद आई मैं खरीदूं, अगरबत्ती मुझे लगानी है, लगानी जी, हर घर में लगेगी। आइसक्रीम स्टिक डलनी, बिल्कुल डलनी, पत्तल धोने का जैसे वो बनना ही है, डिस्पोजल बनना ही है, समझ में आ रही है। तो ऐसे बम्बू से हम काम कर सके, ऐसे कितनी इंडस्ट्री हो सकती है? छोटे जो उद्योग है बम्बू के, जो छोटे क्लस्टर है, मेरी बात पूरी करने दो, वो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि जिस एरिया में सपोज करो हम खोल रहे हैं, मैंने आपसे पहले कहा था कि आपसे चैरिटी वाली बात सीखी है, बच्चे 25-25-30-30 साल के होंगे, रोजगार नहीं है, बराबर दारू पी के गांव में पड़े रहते हैं। सही बात है। उनको 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए आपने पूछ रहा था कि आप क्या पे कर रहे हो, मेरा मकसद ये था वो कि उन लोगों को रोजी मिले। सही बात, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही, ये मकसद है। बाम्बू से हम डीपली देखने जाएंगे तो कम से कम आपको 100 ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जो 1 लाख रुपए में चालू हो सकते हैं। जैसे अगरबत्ती हो गया, आपका जो दांत खोरने वाली काड़ी आती है, टूथपिक, आपका एक अगर देखेंगे तो ये जो छोटे से क्लस्टर फर्नीचर हो गए, इनकी टेबल कुर्चियां बनती है, ये टुलडा का ही है, ये जो पीस है ना ये टुलडा का है, तो इनकी टेबल कुर्चियां बना ली, इसके लिए कोई इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, केवल कलाकृति वाले जो आरा मशीन चलाते हैं और फिनिशिंग करके ये बना देंगे। आपके प्लास्टिक जो ब्रश आते हैं, ऐसा बाम्बू का ब्रश बनता है, लकड़ी और उसमें रबर एड ऑन हो जाएंगे। अच्छा। आपकी आइसक्रीम की चम्मच बनती है, आपकी कुल्फी की काढ़ी बनती है, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो बनाई जा सकती है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये बतलाया था कि मैं देखने नहीं गया, गजेंद्र पाटीदार जी हैं, उन्होंने ये बतलाया था कि बांबू के आभूषण बनते हैं, और एक पेड़ एक भिर्रा जो 8 पोल 5 पोल देता है एक साल में, वो 1 लाख रुपए की इनकम देता है बांबू के आभूषण बनाने में। वो कलाकृति है, उसमें कुछ आपको इंडस्ट्री डालने में नहीं लगा, आर्ट है। आपने बांबू लिया, अब उसको नक्काशी कर रहे हो, घुमा रहे हो और उसके आभूषण बन रहे हैं। अभी एक पेड़ से जो 50 फीट का है उससे कितने सारे आभूषण बनेंगे? वो 1 लाख रुपए दे रहा है, आपके डिस्पोजल बन रहे हैं, डिस्पोजल अनलिमिटेड श्रृंखला है डिस्पोजल में,
प्लास्टिक के डिस्पोजल में, और बहुत बड़ी मशीन नहीं लगती, प्रेसिंग मशीन लगेगी बस, कचरा इकट्ठा करके रख दो, उसको प्रेस कर दो, वो डाई बन गई। बटन भी बना रहे हैं, बटन भी बना रहे हैं। ये बटन जो प्लास्टिक का आ रहा है, इसकी वजह बांस का बटन बन रहा है। मनोज ले बात कर, बाहर जाके करना, ये कवरेज नहीं रहेगा। बटन बना रहे हैं, पेन भी बना रहे हैं, उसमें केवल होलो करना है। अभी बांबू की बोतल आ रही है, जो प्लास्टिक बोतलें आ रही है, केवल उसमें ढक्कन डाई आटे लगा करके, यही बांस है, इसमें एक तरफ से काट दिया, अंदर से सफाई कर ली, ट्रीटेड कर दिया, ताकि इसमें पानी सोखने का काम बंद हो जाए। अब इसमें पानी भरा हुआ, ढक्कन लगा दिया, ये तो होलो है ही, अलग से होलो क्या करोगे। मतलब ऐसे हम देखने जाएंगे तो कई सारे काम नहीं मिलेंगे। तो इस प्रोडक्ट है, ये एक बार भी यूट्यूब में देखा था मैंने, सत्ताईस प्रोडक्ट बस। मैंने एक वीडियो डाला है बांस के 2000 प्रोडक्ट, उसमें कुछ प्रोडक्ट की श्रृंखला दे रखी है। आप ये जो अभी अगरबत्ती वाला जो बना रहे थे, तो उसमें 10 किलो में 2 किलो निकलता है, बाकी जो 8 किलो निकल रहा है उसका क्या कर रहे हैं आप लोग? उसका एक तो आप उसमें लगा सकते, हम तो अभी चॉपिंग नहीं कर रहे ना, हमारे पास 8 किलो नहीं निकल रहा है, लेकिन जो चिपली बना रहा है अगरबत्ती की स्टिक, उसके यहाँ निकलेगा। तो आप क्या बना रहे हैं? अगरबत्ती की 2-3 श्रृंखलाएं अलग अलग है। अच्छा, आप इसकी चॉपिंग नहीं बना रहे? हम डायरेक्ट स्टिक खरीद रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बांस ही नहीं है। आसाम में बांस है, वहां पर बन रही है, और चाइना में बन रही है, थाईलैंड में बन रही है, वहां से अगरबत्ती की स्टिक ले रहे हैं हम। और आपको जो टुलडा दिखाया 11 एकड़ का हमने बांस लगाया, ये 35 टेबल के लिए 11 एकड़ का हमने बांस लगाया। अभी ये बांस 5-6 साल कंप्लीट करेगा, तो इसकी स्टिक फिर हम बनाएंगे, तो फिर उसका निकलेगा कच्चा माल, जो 80% निकलेगा, उसका बाय प्रोडक्ट बनेगा। एक तो अगरबत्ती जो है, जो काला उसमें मसाला देखा, उसमें भी यही डलेगा। दूसरा सीएनजी वालों को आप जाके बेच दो। तीसरा, इसको कंप्रेस करके आप चाहे जैसा डिस्पोजल बना लो, क्योंकि पत्तों को कंप्रेस करोगे तो उसका फिक्स आकार है, लेकिन डस्ट को कंप्रेस करोगे तो आप गिलास बना लो, लोटा बना लो, कोई सी भी डिजाइन बना लो। डिस्पोजल प्लास्टिक में डिस्पोजल जो है, उसमें सारा प्लास्टिक जो बनता है वो इसके पाउडर से बनेगा। जहां भी प्लास्टिक बैठा वहां पे बॉम्ब है, वो माइंड में रखने का, वो भी वेस्ट में से। अगरबत्ती की काड़ी से जो 8 किलो बना, 20% में काड़ी बनी, 80% उस अगरबत्ती के लिए वेस्टेज है, लेकिन वो वेस्टेज का आप कोई सा भी डिस्पोजल बना सकते हैं, बाय प्रोडक्ट बन रहा है, उसका कोई भी वेस्टेज नहीं। और अगरबत्ती अपने आप में एक बहुविकल्पीय लाइन है। टुलडा, आपने टुलडा का पेड़ लगाया तो मोटा मोटा 2-3 रुपए किलो बेच दिया, तो 7 साल के बाद एक 30-40 टन देगा, तो वो भी वही बात हुई कि आपका 80,000 रुपए का आ गया। ये किसान की दृष्टि से। अब यहां वैल्यू एडिशन आपने किया, तो उसकी पहले क्या करना पड़ेगा, उसको चॉपिंग करके उसकी स्टिक बनाना पड़ेगी, तो वो आज की तारीख में 120 रुपए किलो इंडिया मार्केट में बिक रही है, जितनी हो दे दो, ठीक। 25 लाख का उसका प्रोजेक्ट है, जिसमें 50% गवर्नमेंट का अनुदान है। अब जो उससे बाय प्रोडक्ट बचा आपका 80%, उसको या तो सीएनजी वाले को बेच दो, या उसके लिए दूसरी यूनिट लगा लो। उसके लिए दूसरी यूनिट, आपका प्लास्टिक जो भी बनता हो उसको प्रेसिंग करने वाली यूनिट बना ली, वो बाय प्रोडक्ट बन गया। सबसे अच्छा डिस्पोजल है कि डिग्रेडेबल डिस्पोजल, जो डिस्पोज हो जाए। अभी इसके बाद में आप उस चॉपिंग की खुद ही अगरबत्ती की एक टेबल लगा लो, अगर अगरबत्ती बना लो। अब ये अगरबत्ती आप चाहो तो व्हाइट लेबल में बेच सकते हो किसी को भी ऑर्डर लेकर के, और आप चाहो तो खुद आपका मार्को लगाओ, सेंट डालो, और आप खुद मार्केटिंग करो। तो ये जो 2 रुपए किलो का बांस था, ये 200 रुपए किलो में बिके, सीधी उसमें डबल जीरो लगेगी। भाई एक जीरो तो बढ़ गई आपकी स्टिक में, और एक जीरो बढ़ गई अगरबत्ती में, और तीसरी जीरो बढ़ेगी कि आप खुद ही बेच रहे हो। वहां पर भी एक ट्रिक है कि आपने व्हाइट लेबल देने की बजाय खुद बेच ली। ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आप कितनी दूर किस रास्ते पर चलोगे। भैया खाना हो गया, खाना हो गया रेडी, ठीक है भैया। जो बांबू की स्टिक बन रही है, अभी कहाँ पे मिलेगी हमारे को देखने के लिए? यहाँ पर तो नहीं है, मैं एक नंबर मैसेज करूंगा आपको, आसाम में मिलेगी देखने को। यहाँ पे नहीं है। बांबू के मैक्सिमम प्रोडक्ट बनते देखना है तो आपको पूर्व भारत में जाना पड़ेगा, वहीं पर बांस ज्यादा है, वहां पर सारी चीजें मिल जाएगी, प्लाईवुड उद्योग मिल जाएगा, अगरबत्ती स्टिक मिल जाएगी, फर्नीचर उद्योग मिल जाएगा। बांस वहां जाके बिकेगा नहीं, किराया एग्जीबिशन नहीं रहता है बांबू का।
बांबू का एक रिसर्च एंड डेवलप सेंटर और एग्जीबिशन बनाया है गढ़चिरौली में। गढ़चिरौली में ये कहाँ है? BRTC करके गूगल पे डालोगे तो सारा डेटा निकल के। गढ़चिरौली का कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र। क्या बोलो? चारकोल का एक बार थोड़ा बता। बांबू रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर BRTC। ये आप जो चारकोल का बता रहे थे तो जैसे 3 रुपए किलो का तो बांस है चंद्रपुर के। और चारकोल बनने के बाद में वो अगर 1 किलो तो मेरे हिसाब से तो पाव भर ही बैठेगा, क्यों पानी तो सारा जल जाएगा। फिर भी 3 रुपए किलो बिकेगा तो कैसे पार पड़ेगी? 3 रुपए किलो चारकोल नहीं बिकता है तो कम से कम 10 से 12 रुपए किलो कोयला बिकता है। और उसका अगर आप एक्टिवेट चारकोल लेने जाओगे तो 110 रुपए किलो बिकता है। एक्टिवेट का मतलब? एक्टिवेट का मतलब एकदम महीन पिसाई उसकी हो जाए, पाउडर पाउडर मतलब चक्के में पीस लो हुक्का का वो एकदम उसको डस्ट बना लिया। उसकी मेडिसिनल गोलियां बनती हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट जितने आते हैं उसमें एक्टिवेट चारकोल मतलब सबसे ज्यादा महीन पिसाई। और अब ये इससे ज्यादा डल नहीं होगा, ये गायब हो जाएगा। अच्छा वो हो गया सबसे हाईली एक्टिवेटेड चारकोल। वो आपके जितने भी क्रीम पाउडर आते हैं उनमें काम में आता है, फेस वॉश में काम में आता है, आपके चेहरे से कालापन निकालने के लिए काला कोयला काम में आता है। कुल मिलाकर 100 रुपए किलो तक का बेच लोगे आप आराम से उसके ऊपर? तो 1 किलो में 100-200 ग्राम में बैठेगा वो कोयला तो, मतलब 20 रुपए की चीज 200 रुपए में गई, 100 रुपए आराम से, आराम से। आप क्या पूछ रहे थे? उसका मैन्युफैक्चरिंग या बांबू से कैसा? सिंपल सी ट्रिक है, आप YouTube पे जाओगे तो बाम्बू टू चारकोल डालोगे तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। जैसे हम ईंट भट्टे लगाते हैं ना, ईंट के भट्टे मेरे खुद की है, खुद की है ना, तो वैसा एक आपको सेट बनाना है, बांस के टुकड़े करके उसमें डाल देना है, चॉपिंग करके, वो कैसा भी टुकड़ा होगा ठीक है, 2-2, 3-3 इंच का टुकड़ा उसमें भर दिया, उसको आइट साइड से सील किया, फिर उसके बाहर आग लगा दी, फिर उसको सील कर दिया। अंदर हीट जाना चाहिए, आग नहीं जाना चाहिए, गर्माहट जाना चाहिए जिससे उसका पानी उड़ करके बाहर निकल जाए, रास हो जाए और काला डस्ट कोयला बन जाए। कोयला कैसे बनता है? हजारों साल की जो लकड़ी अंदर पड़ी है वो दब दब के हीट होकर के, वो जली नहीं गर्म होकर के कार्बन बन गई। तो हमें क्या करना है, स्किन भी है उसके ऊपर, स्किन भी काली कार्बन है। तो ये जो बांस के टुकड़े हैं इनको एक भट्टी नुमा चेंबर बनाया, आसानी से वो ईंट की भट्टी बनती है ऐसे, ईंट एक के ऊपर एक रख करके अंदर भर रख दिया और उसका ढक्कन पैक कर दिया आग लगा करके। ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, उसने हीट होना चाहिए, जलना नहीं है गर्म करना है, हमारे रास्ते तो कोयला बन जाएगा। हमारे रास्ते में जूलिया फ्लोरी करके है जिसमें कांटे वाला पेड़ है खूब हो गए, तो हमारे जो आदिवासी लोग है ना उनको काट पीट करके ऐसे जैसा बता रहे जमा के कोयला बना के और बेच रहे हैं। हाँ बिल्कुल बेचेंगे, ये बांस का बन जाएगा 10-12 रुपए। सबसे सिंपल टेक्निक है, आपके अगरबत्ती से भी सिंपल है चारकोल, और महंगा भी, कुछ करना नहीं है। जिस खेत में बांस लगाया है वहां एक ट्राली ईंट लाओ, 2000 ईंट, उसकी छोटी छोटी भट्टियां बनाओ और बांस काटो, कटके करो, उसके अंदर भरो और उसको कोयला बना लो, अभी कोयला बेच दो, खत्म। मार्केट है ये ईंट बनाते हैं, ये कोयला खरीदते होंगे, पूछो इनको क्या रेट में खरीदते हैं। चंद्रपुर से 5 रुपए किलो कोयला खरीदते हैं, ये ईंट बनाते हैं। तो घर बांस लगा और 5 रुपए किलो खरीदने की बजाय अपना बांस का कोयला बना के काम में लो। लेकिन वो 5 रुपए किलो महंगा पड़ेगा ना, इतना तो बांस सस्ता पड़ गया ना उसमें। चार कोयले बेच सकते हैं, इतने बांस में कितना कोयला निकलेगा उसका? कुछ 1 टन बांस अगर हम 70% जाएगा उसका, मैक्सिमम हो गया 70%, 30% जाएगा, 30% अपने को कोयला मिलेगा, 30% 1 टन का 300 किलो कोयला, 15,000। और उसका प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग 2000 ईंट एक ट्राली में आती है, उससे बना सकते हो प्रोजेक्ट। कितने का कोयला हो गया? कुछ नहीं, सुनो भैया कितने का हो गया? 15,000 का कैसे हो? 5 रुपए किलो से 1500 गए तो हुआ यार। क्या जी? 1 टन कोयला, 1 टन बांस लिया, 70% गया, 300 किलो बचा। 300 किलो कोयला आप 5 रुपए किलो बता रहे, तो 1500 का हुआ, 15,000 कैसे हो गया? 1500 मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा फिर तो कोयला होना भी चाहिए। जिस जमीन से कुछ नहीं आ रहा ना वहां से आपको
₹50,000 अगर आ रहे हैं बहुत है, तो उससे बड़ी शुरुआत ही नहीं कोई बिना लगाए। बलराम जी आज स्थिति ये है ₹50,000 मेहनत करने के बाद नहीं आ रहे। ये किसान की हकीकत है, केवल बातों में है कि हम इतना कमा रहे हैं। अगर वो अपनी नौकरी पकड़ ले ना, अपना मजदूरी पकड़ ले, वो भी नहीं आ रही। और हमारे राजस्थान में तो ये स्थिति है कि रात को लाइटें आ रही है, जिस सर्दी के अंदर लोग हीटर और रजाई में घुसे रहते हैं, उस समय बेचारे को वहां खड़ा रहना पड़ रहा है। बिल्कुल, अभी इनको जोड़ लो कि खुद का लेबर कुछ रात में गए मोटरसाइकिल पेट्रोल जलाया, कुछ नहीं, घर वालों से दूर रहे, वो तो जोड़ ही नहीं सकते। इस साल ऋषभ किया ₹3300 माइनस में हो सोयाबीन में, एक एकड़ में 3600 माइनस में हूँ। जिस भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है रेट में, उसमें जीवन में कभी कमा नहीं सकते आप। सोयाबीन, काटन, आपका गेहूं, मक्का, इसमें लॉटरी कभी नहीं लगेगी, जीवन में कभी कमा नहीं पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट इसको आपसे ₹20 किलो खरीदेगी और ₹2 किलो बेचेगी, और 20 का 21 का भी देगी, और गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं कि आपका 25 का खर्चा हुआ है कि 30 का खर्चा हुआ है, मतलब और स्वामीनाथन रिपोर्ट और किसान मर जाएंगे, थक जाएंगे आंदोलन करके, कभी गवर्नमेंट उसमें कहीं पर भी इंटरफेयर नहीं करेगी। ये तो तब करेगी जब गेहूं पैदा होना बंद हो गया। तो नहीं, आप बंद करो ना, क्यों कर रहे हो, घर के खाने के लिए पकाओ बस खत्म। इनका क्या है, इससे ज्यादा हमारे में तो तकलीफ है, हम तो 100 एकड़ का गेहूं बोते हैं, हमको ही तो तकलीफ है कि हम बो रहे हैं, क्या करें। हमारे को गाड़ी चाहिए, शादी करना है, बच्चों का घर नहीं, जब भी तो गेहूं बो रहे हैं, गेहूं से कभी गाड़ी नहीं ला सकते आप। मैं ये बोल रहा हूँ, मगर शादी हो सकती है, ये सोचना है। नहीं हो सकती शादी भी, आप मांग के कर्जा करके ही शादी करोगे आप। हाँ। समझ नहीं रहे हो, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, जिसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है रेट में, उसमें लॉटरी चांस ही नहीं है। आप गाड़ी ला रहे हो, शादी बड़ी धूमधाम से कर रहे हो, बच्ची को दाइजा अच्छे से दे रहे हो, बच्चे को अच्छी मतलब पार्टी फंक्शन करने की छूट दे रहे हो, इसका मतलब आपके पास खेती के अलावा, गेहूं की खेती के अलावा दूसरी इनकम है। गेहूं की खेती के अलावा दूसरी इनकम है, गेहूं वाला खरीद नहीं सकता, ये अटल सत्य है। अभी 1 बीघा में 1.5 क्विंटल से 1.25 क्विंटल सोयाबीन हुआ है, 3600-3600 का भाव है, कैसे करोगे, क्या करोगे? अब 36 गुना बेहतर, उसकी बीज कटाई और निराई और पानी बहुत गड़बड़ है। ₹16,000 एक एकड़ को लग रहा है, 16 से 20,000 एक सीजन में, एक एकड़ में, और उसमें पर ये वो भी एक सीजन की, उसमें 6 महीने की साइकिल में। बाद में हम उसमें चना डालते हैं, उसका और उसका कैलकुलेशन किए तो 10,000 या 15,000 रुपए एक साल में बच रहा है। बराबर, वो भी हमारी मट्टी इतनी है कि जितना भी खोदे वो मट्टी ही निकले, काली मट्टी। तो एक एकड़ में एक साल में 15,000 या 20,000 रुपए हमारे को इनकम हुआ, तो ₹1,000 अगर हम बांबू लगाएंगे 5 साल का, एक साल में निकालेंगे। बिल्कुल, ₹20 में एक लाठी भी बहुत सारे हो रहे अपन सर, ₹20 में एक लाठी सोचते लगाएंगे कब, ये सोचे हम लगाना तो है, जून में लगाना है, भोजन तैयार है वो भैया बोल रहे, भोजन तैयार ठीक है, मैं निकलूंगा घर अभी, और कुछ काम हो तो बताइए, है ना।